स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीपीआई ट्यूटोरियल पे। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। इस बार की कट ऑफ क्या गया होगा, कितने विद्यार्थी इस बार फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो चलिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो भी पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो और अभी एक काउंसलिंग भी नहीं हुआ है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिएगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इस बार की कट ऑफ कितनी गई होगी, तो यहाँ पर कई प्रकार के कोर्स हैं। बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे कोर्सेस और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले जीएनएम जो गर्ल्स के लिए कोर्सेस हैं। जीएनएम हमारा गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स माना जाता है। जीएनएम और एएनएम जो होता है वो गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप लोग जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं। रैंक थोड़ा कम है तो आप लोग एएनएम कोर्स भी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स है। अगर आप लड़की हैं और यूआर में आते हैं तो आपका रैंक वुमेन कैटेगरी में आप लोग को देखना है। वुमेन कैटेगरी में ईवार से आप लोग को देखना है कि 2560 ईवार कैटेगरी में 2560 और अपना कैटेगरी आपका जो भी होगा उसमें कम रैंक रहता है तो आपको जीएनएम मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत रहता है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस रैंक में अगर आप लोग आते हैं, आप लोग का कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस और आप लोग को जीएनएम कोर्स करना है तो आप लोग अपने कैटेगरी रैंक में देखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग का 500 रैंक है तो आप लोग को जीएनएम मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आप लोग का 500 रैंक है तो आप लोग को ईजिली जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप लोग एबीसी से आते हैं, आपका कैटेगरी जो है वो आपका कैटेगरी एबीसी है और ईबीसी से अगर आप लोग का वुमेन कैटेगरी में 960 अगर रैंक है तो आप लोग को जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बीसी। अगर आप लोग बीसी से आते हो और बीसी से आपका 830 रैंक है, बीसी से अगर आपका वुमेन रैंक 830 है तो आप लोग को जीएनएम कोर्स मिलेगा। फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिलेगा लेकिन सेकेंड राउंड तक आप लोग को इजली जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। अगर आप लोग लड़की हैं और एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग का जो रैंक होगा वो एससी में 970 तक रहेगा तो आप लोग को इजली जीएनएम कोर्स मिलेगा। अगर आप लोग लड़की हैं और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग का एसटी से 65 रैंक रहेगा तो आप लोग को इजली जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप लोग गर्ल्स हैं आरसीजी रैंक में आते हैं तो आरसीजी से अगर आपका 320 है तो आप लोग को इजली जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी मैं अभी कोर्स बताई, जो भी कोर्स और कट ऑफ बताई, कोर्स हो गया आपका जीएनएम के लिए, जो भी मैं कट ऑफ बताई हूँ, अगर इतना आप लोगों का बीच में है कैटेगरी रैंक तो आप लोग को जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। तो देख लीजिए क्या क्या है। जनरल से आपका 2560, ईडब्ल्यूएस से आपका 500, ईबीसी से 960, बीसी से 830, एससी से 970, एसटी से 65 और गर्ल्स आरसीजी जो बीसी वाले कैटेगरी में ही आता है जिससे आपका आरसीजी से 320 रहेगा तो आप लोग को जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। और आप लोग को जीएनएम पीएम वुमेन रैंक में देखना है, वुमेन रैंक से, क्योंकि आप लोग को जीएनएम और एएनएम का सीट अलॉट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं एएनएम कि एएनएम कितने रैंक वालों को मिलता है। अगर आप लोग को एएनएम कोर्स करना है तो एएनएम कोर्स का क्या कट ऑफ है, तो एएनएम कोर्स भी आप लोग गर्ल्स के लिए ही है और गर्ल्स हैं तो वुमेन रैंक से आप लोग को एएनएम भी मिलता है। तो वुमेन रैंक में अगर आप लोग का जनरल से अगर आप लोग आते ईवार से तो आप लोग का 4400 रहेगा तो आप लोग को इजली एएनएम कोर्स मिल जाएगा। अगर आप लोग का कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से आप लोग का 1800 है तो आप लोग को एएनएम कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग का कैटेगरी ईबीसी है और ईबीसी से आपका रैंक 3100 के अंडर है तो आप लोग को एएनएम कोर्स मिलेगा। अगर आप लोग बीसी से आते हैं और बीसी से आपका रैंक 3400 है तो आप लोग को एएनएम कोर्स अलॉट किया जाएगा।
अगर आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं और आपका एससी में रैंक 1110 है, तो आप लोग को एएनएम कोर्स अलॉट किया जाएगा। अगर आप लोग लड़की हो और आप लोग का जो कैटेगरी है वो एसटी है और एसटी से आपका 110 रैंक है, तो आप लोग को एएनएम कोर्स अलॉट किया जाएगा। अगर आप लोग गर्ल्स हैं, गर्ल्स में आरसीजी रैंक आप लोग का 3600 है, तो आप लोग को एएनएम कोर्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोग इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आप लोग को इसलिए जीएनएम और एएनएम मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये कोर्स ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग का क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा और आप लोग श्योर हो जाइएगा कि अगर आप लोग का इतना इतना के बीच में रैंक है तो आप लोग को जीएनएम या फिर एएनएम इजीली मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बॉयज़ के लिए कि बॉयज़ के लिए क्या कट ऑफ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ के लिए बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो सभी कोर्सेस को लेके एक सेपरेट वीडियो है कि बॉयज़ अगर आप लोग हैं और आप लोग को पैरामेडिकल के फील्ड में कैरियर बनाना है, तो जैसे हो गया फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन एंड अदर कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो इसका अगर आप लोग को देखना है तो इसको आप लोग देखिएगा पीएम ओपन रैंक से, पीएम ओपन रैंक, क्योंकि पीएम ओपन रैंक जो होता है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला के होता है, रैंक बनता है। तो पीएम ओपन रैंक से अगर आप लोग का कैटेगरी यूआर है, यूआर से आप लोग का 7560 है, तो आप लोग को कोई ना कोर्स इसलिए मिल जाएगा। EWS से अगर आप लोग आते हैं, आप लोग का कैटेगरी EWS है, तो EWS से अगर आप लोग का 1250 है तो आप लोग को कोर्स मिलेगा। EBC से अगर 3550 है तो मिल जाएगा, और उसके बाद BC से 4550 है तो मिल जाएगा, SC से अगर 2550 है तो मिल जाएगा, और गर्ल्स RCG से 4560 है तो मिल जाएगा। अगर ये सब कट ऑफ के बीच में अगर आप लोग का रैंक है तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिलेगा, आप लोग मिला लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए ये रहा हमारा GNM, ANM एंड अदर कोर्सेस बॉयज़ के लिए, जो कि फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ये सब कोर्सेस बहुत ही अच्छा माना जाता है लड़कों के लिए, और इस फील्ड में लड़की भी अपना कदम रखती है, लड़कियों के लिए भी ये सारे कोर्सेस होते हैं। लेकिन बहुत से गर्ल्स हैं जो GNM और ANM को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, तो GNM और ANM गर्ल्स के लिए सेपरेट है और अदर कोर्सेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोग फाइट करते हैं, जिनका जितना बेस्ट रैंक है उनको उतना अच्छा कोर्सेस अलॉट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।